इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉलेस्ट विड्थ के बारे में। ये आपको सेटिंग्स मिलते कहाँ हैं और यहाँ पर आप ये सेट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हमें सेटिंग्स मिलती कहाँ हैं और कैसे कैसे हम इस पर जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर मिलता है आपको एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग्स को खोल लेना है। एडिशनल सेटिंग्स को खोलने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो डेवलपर ऑप्शन को खोल लेना है। ध्यान रखिएगा कि ये ऑन नहीं आएगा, आपको इनेबल करना होगा। इनेबल करना आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे उसके लिए आपको। तो इसको इनेबल कर लेते हैं हम। इनेबल करने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मॉलेस्ट विड्थ। तो यहाँ पर आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। ड्राइंग के लिए होता है, जैसे कि आप सेट करने के बाद अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ वगैरह करने लगे तो यहाँ पर उसकी विड्थ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जो भी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 100% आपको पता होगा क्यों दी गई है और इसको सेट क्यों करते हैं। बाकी कोई और वीडियो देख रहे होगा तो उसकी समझ में नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितनी भी प्रोसेस हो हमें Redmi Note 5 Pro के अंदर, Redmi Note 6 Pro के अंदर भी और Redmi Note 5 Pro में 5 में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों मॉडल एक जैसे ही हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।